व्हाट्स अप गाइस, होप यू ऑल आर फाइन। तो देखो, मेरा जो ये वीडियो बनाने का उद्देश्य है वो है गियर्स दिखाना, जो कि बहुत लोगों ने मुझे बोला था कि अपने गियर्स दिखाओ, क्या क्या यूज़ करते हो आप अपने वीडियोस में। तो देखो, आज दिखाता हूँ सारे। अभी जो मैं शूट कर रहा हूँ कैमरे से, वो सार्थक का है, यानी कि डॉक्टर रोज का। आप लोग जानते हो, पहले से मैंने उसके बारे में मैंशन किया था ना। उसका चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नाउ वी आर स्टार्टिंग समथिंग। तो क्या है वो चीज़ समथिंग, जाओ इंस्टाग्राम पे देखो, मेरे बायो में लिखा हुआ है। सो उस चीज़ के लिए आप लोग की थोड़ी सी मदद चाहिए। नाउ क्या गियर्स है उस पर आते हैं। तो देखो, मेरे पास ज़्यादा कुछ नहीं है, बस एक देखो लैपटॉप है, ठीक है। ये जो देख रहे हो आप लोग सामने, ये लैपटॉप है जिसमें मैं एडिट करता हूँ। नाउ मेरे पास एडिटिंग सॉफ्टवेयर जो है वो फिल्मोरा है, वंडर शेयर फिल्मोरा। तो देखो, हाँ, समथिंग कहाँ गया, वंडर शेयर फिल्मोरा यूज़ करता हूँ मैं, जो कि इधर आपको दिख जाएगा, मुझे नहीं दिख रहा पर होगा ये, ठीक है। मैं यूज़ करता हूँ, एंड मेरे पास एक ट्राईपॉड है, कैमरा है। तो कौन सा ट्राईपॉड क्या है मैं दिखाता हूँ आप लोग को। सो मेरे पास जो ट्राईपॉड है वो है अमेज़ॉन बेसिक्स का। तो देखो, अमेज़ॉन बेसिक कोई मतलब ख़राब तो नहीं है, अमेज़ॉन बेसिक का ट्राईपॉड। ये रहा मेरा ट्राईपॉड। सो ये नॉर्मल ट्राईपॉड, नॉट दैट ब्लॉगिंग ट्राईपॉड एंड ऑल। मेरे को फोटोग्राफी के लिए ट्राईपॉड चाहिए था, तो मैंने इसको खरीदा। ब्लॉगिंग के लिए जो ट्राईपॉड है उसको खरीदेंगे। जो ब्लॉगिंग के लिए ट्राईपॉड मैं खरीदने वाला हूँ, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में होगा, कौन सा है आप लोग जाके थोड़ा सा देखो। अगर अच्छा लगे तो बोलो, नहीं लगे तो कमेंट में बताना कौन सा अच्छा रहेगा। मेरे बजट में, मेरा 300-400 का है बजट, ज़्यादा नहीं है अभी, ठीक है। तो अगर अच्छा लगे कोई आपको तो मेरे को बता देना। एंड ये वाला अभी यूज़ करता हूँ, ये फोटोग्राफी के लिए। वीडियोग्राफी भी अच्छे से हो जाता है, कोई इशू नहीं है, बट फिर भी इस ब्लॉगिंग के लिए। सो जो कैमरा है वो सबसे तगड़ा वाला चीज़ है, ठीक है। अभी कैमरा देखते हैं। सो मैं एक्चुअली, मेरे दोस्त का गोप्रो जो है मैं इसीलिए लाया था, क्योंकि मेरा कैमरा थोड़ा सा शार्प वाज नहीं था, मैंने बन लगाया नहीं कुछ, एंड तैयार नहीं था मैं, एंड हड़बड़ाहट में बना रहा हूँ, ठीक है। दिस इज माई कैमरा, दैट इज़ एन SLR, दैट इज सोनी साइबर शॉट। एंड ये अभी शायद बंद हो गया है प्रोडक्शन इसका, क्योंकि अभी उस सोनी साइबर शॉट का एक नया वर्जन आया है। सो वो वर्जन जो है वो पतला वाला, छोटा वाला निकॉन कूलपिक्स की तरह है। नाउ यू मे लाइक दैट, यू मे लाइक दिस, बट मेरे हिसाब से ये उससे बेटर है, ओके। तो होप आपको ये गियर्स अच्छे लगे हो। नाउ मुझे बहुत लोगों ने ये भी कहा था कि भाई थोड़ा फिल्मोरा में कैसे एडिटिंग करते हैं, थोड़ा दिखाइए। तो देखो, फिल्मोरा में एडिटिंग के लिए मेरे पास तो कुछ, ठीक है, दिखाता हूँ। फिल्मोरा है, बट सैम्पल वीडियोस भी है, मैं दिखाता हूँ आपको वीडियो। नाउ अगर आपको अभी तक वीडियो अच्छी लगी, कि मेरे गियर्स अच्छे लगे, तो सब्सक्राइब तो ठोको। एंड एक और चीज़ आपको दिख रही होगी, यहाँ पे फ़ोन का स्क्रीन है ऑन है, क्योंकि फ़ोन के स्क्रीन से मेरा ऑडियो रिकॉर्ड हो रहा है। मेरे पास कोई माइक नहीं है, कुछ नहीं, माइक ऑर्डर करूँगा, बट अभी के लिए तो माइक नहीं है। तो ठीक है, खरीदेंगे माइक, कोई नहीं, जल्दी नहीं। सो होप आपको अभी तक वीडियो अच्छी लगी, जाओ लाइक करो एंड आगे बढ़ते हैं। सुना हो, देखो फिल्मोरा पे एडिटिंग करना इतना भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। लो बन फिल्मोरा एक बहुत इजी सॉफ्टवेयर है एडिटिंग के लिए, नॉट ओनली वीडियोस फॉर यूट्यूब बट आल्सो वीडियोस फॉर टिकटॉक एंड उस सब एप्लीकेशंस के लिए आप फिल्मोरा से एडिटिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब दिखाता हूँ आपको, कैमरे को हाथ में रखूँगा क्योंकि पता नहीं, क्योंकि मेरा फेस भी दिखना चाहिए अच्छा है जब तक ऑन हो रहा है। तो देखो, जब तक ऑन हो रहा है थोड़ी बातें करते हैं क्या। अब फिल्मोरा कोई आम एप्लीकेशन नहीं है, ओके, आम एप्लीकेशन नहीं है, क्योंकि फिल्मोरा में आपको मैं बता दूँ बहुत कुछ होता है। देखो अभी मुझे पहले वीडियो के लिए, मैं देखो और एक चीज़ बता देता हूँ। आप लोग अगर वीडियो शूट्स करते हो, ठीक है, अगर आप लोग देखो कोई लाइव स्ट्रीमिंग करते हो कुछ भी,
आप लोग एक चीज़ कर सकते हो जो मैं कर रहा हूँ, OBS कुछ एक डाउनलोड कर लो, स्ट्रीम लैब्स हो या फिर नॉर्मल OBS भी बहुत तगड़ा होता है। अब स्ट्रीम लैब्स OBS पहले यूज़ करता था, बट मैंने रिसेंटली स्ट्रीम लैब्स से स्विच किया सिर्फ OBS पे। ठीक है, अब दिखाता हूँ सिर्फ OBS का कुछ स्क्रीन। देखो सिर्फ OBS जो है वो कुछ ख़राब नहीं है, बहुत तगड़ा है, उल्टा उससे तो बहुत ही ज़्यादा तगड़ा है। उसमें शूटिंग जो है बहुत सही वाला शूट होता है। ठीक है, अब आप लोग को मेरा जो दिख रहा होगा यहाँ पे, देखो सॉरी यहाँ पे नीचे आना है। ठीक है, अब इधर से रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट रिकॉर्डिंग। ओके, तो यहाँ पे रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है, इसको नीचे ना। अब मैं जो फिल्मोरा यूज़ करता हूँ वो एक मॉडर्न वर्जन है, नॉट द परचेज्ड वन। ठीक है, परचेज नहीं कर सकते, बहुत कॉस्टली आ जाता है फिल्मोरा का वो वाला। ठीक है, तो हम उसको नहीं परचेज कर रहे, हम उसकी जगह कुछ और यूज़ करते हैं। ठीक है, यू गॉट दिस। ओके, सो आपको कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करना, एक सेकेंड। सो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, देखो बस एक काम, ये मॉडर्न जो वर्जन है तो ये बहुत ही ज़्यादा थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो सकता है आप लोग के लिए, बट नॉर्मल जो है वो बहुत ज़्यादा इजियर वे में यूज़ हो सकता है। ठीक है, तो नाउ स्क्रीन को आगे लाता हूँ। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस एक इम्पोर्ट डालना है, तो इसको मेरी तरफ घुमा देता हूँ ताकि मैं देख सकूँ कि मैं भी कैसे दिख रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना। ओके, पहले यहाँ पे आपको इंपोर्ट का ऑप्शन दिख रहा है, इंपोर्ट मीडिया फाइल्स करते हैं क्योंकि मेरी वीडियोस मीडिया फाइल्स ही होती हैं। ओके, नाउ आपको यहाँ पर मेरा ऑडियो BGM में होगा, तो आपको बस जो वीडियोस आपको चाहिए, वीडियो एडिट करना चाहते हैं वैसे वीडियोस बस डाल देना। ठीक है, देखो मैं न्यू फोल्डर 2 में हूँ, मेरे बहुत सारे वीडियोस हैं। अब एक वीडियो जैसे कि देखा जाए तो ये माइक जिसमें लिखा है वो एक्सपोर्टेड वीडियोस हैं मेरी। ठीक है, अब कोई एग्जाम्पलर वीडियो देखो, जैसे कि ये वाली वीडियो एक मैंने डाल दी कंप्यूटर, और एक ये वाली वीडियो। ठीक है, ओके, अब आप लोग इसमें सिंपल एडिटिंग कैसे कर सकते हैं। अब देखो पहले आपको ये वाला मैंने एग्जांपल में डाला। ठीक है, अब आपको कहीं पे भी कट करना हो तो स्पेस बार हमेशा तैयार है आपके लिए, स्पेस बार हमेशा आपके लिए तैयार होगा। ठीक है, देखो आपको कहीं पे पॉज करना हो तो जस्ट पॉज इट, आपको कट करना है तो यहाँ पे कट ऑप्शन से कट करिए। ठीक है, नाउ कट करने के बाद आपको जो डालना है आप डालिए, ट्रांजिशंस एंड मैं बताऊँ तो जो ब्लफ पार्ट्स होते हैं उसको थोड़ा कट कर दो, थोड़ा सा ट्रिम कर दो एंड उसके बाद देखो अभी ब्लफ पार्ट के जैसे हम देखें तो देखो ये वाला यहाँ से मैं अगर कोई भी पार्ट, ठीक है, यहाँ से मैं कट करता हूँ कुछ 2 से 3 सेकेंड के बाद फिर से कट कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं मुझे लगा कि ये बीच वाला पार्ट ब्लफ है, इसको मैं डिलीट कर दूँगा ना। अगर मैं वीडियो को यहाँ से प्ले करूँ वो कट पार्ट थोड़ा गंदा दिखेगा, ठीक है, कहीं से भी अटका हुआ। अब उसको हम लोग कैसे ये कर सकते हैं, उसको आप क्या करें, ट्रांजिशन लगा दीजिए। ठीक है, ट्रांजिशंस में जाएंगे, वो नॉट दैट ट्रांजिशन जो कि होता है टिकटॉक में, टिकटॉक। ठीक है, आपको फेड करना है, इसको क्लिक करें। ठीक है, इस पर भी फेड। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर प्ले करोगे तो वो जो पार्ट है थोड़ा सा मिक्सिंग होगा। ठीक है, अब आपको दिखा नहीं क्योंकि वो कट इन हुआ ना, जो रेड पार्ट्स होते हैं आपको उसमें रेंडर करना होता है, क्योंकि अगर रेंडर करोगे तो क्लीन एक प्रीव्यू मिलेगा आपको। ठीक है, पहले मैंने रेंडर नहीं किया था, अब मैंने जब रेंडर किया तो देखो कैसा आएगा वीडियो। देखो आप ऐसे काट सकते हो या फिर यू कैन डू समथिंग लाइक दिस, मैं दिखाता हूँ आपको समथिंग लाइक दिस, मतलब वो कहाँ गया मेरा फेवरेट वाला, होगा कहीं पे पता नहीं।
ग्रे स्केल वाला एक है, नॉट मर्ज मैन, एक डिजॉल्व हुआ विद ग्रे स्केल, ओके, तो वो तगड़ा वाला है, बहुत ही ज़्यादा तगड़ा है। ठीक है, तो छोड़ो अभी, वैसे आप ट्रांजिशन डालें, अच्छे से अच्छा वीडियो बनाएं। होप यू लाइक द वीडियो, जाओ सब्सक्राइब करो चैनल को एंड शेयर ज़रूर करना इस वीडियो को, क्योंकि बहुत ही जल्द हम 100 सब्स को हिट करेंगे, क्योंकि लास्ट वीडियो में मे भी हम कुछ 75 थे एंड लोगों ने सब्सक्राइब करके हमको 80 तक पहुंचा दिया, 20 सब्स और हैं ना। मैं देखता हूँ इस वीडियो को, मैं कुछ करने वाला हूँ, क्या मैं व्हाट्सएप इंस्टाग्राम पे शेयर नहीं करूँगा, जो लोग देखते हैं दे आर माई ट्रू फ्रेंड्स एंड ये, क्योंकि फॉलो करते हैं मुझे, देखते हैं मेरी वीडियोस, आई लाइक दैट थिंग, क्योंकि अगर मैं शेयर कर दूँ तो मेरा उठेगा नहीं। ठीक है, देखो क्या बोलते हैं, उठेगा यानी कि मेरा रीच नहीं बढ़ेगा। मेरे दोस्तों ने मुझे रेकमेंड किया कि भाई ये सब मत कर, कि शेयर मत कर, क्योंकि YouTube जो है रेकमेंड पेज पे नहीं डालता, अगर आप शेयर करते हो व्हाट्सएप से ज़्यादा लोग देखते हैं तो शेयर नहीं होता। मैं करूँगा, मैंने अभी 2 से 3 वीडियो शेयर नहीं होंगी, आप देखो अच्छा लगे तो शेयर करो, आप शेयर करो, नॉट मी, आप शेयर करो, आप शेयर करो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ, स्टे होम, कैप्टन ओडिस 7 साइनिंग ऑफ।